नमस्कार साथियों, एस एस सी जी एस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के जो इतिहास है उसका तीसरा पार्ट है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद है, इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये दूसरा भाग है। तो देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपके पास जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो पहुँच जाए। सिविल नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने वाले सामाजिक समूह कौन थे? सिविल नाफरमानी का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा। सविनय यानी विनयपूर्वक, विनय के साथ, अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन करना। नाफरमानी, फरमान यानी होता है आदेश, तो नाफरमानी यानी आदेश को नहीं मानना। तो ये आंदोलन किया था गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें भाग लेने वाले सामाजिक समूह कौन से थे? तो देखो, एक तो संपन्न धनी किसान थे। तो धनी किसान में क्या थे, पाटीदार थे गुजरात के और यूपी के जाट थे। इन्होंने क्यों आंदोलन में भाग लिया? क्योंकि व्यापार में मंदी आ गई थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका व्यापार काफ़ी ऊंचाई पर गया था, लेकिन बाद में व्यापार मंदा पड़ गया और गिरती कीमत से इनकी आय कम हो गई, इसलिए लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि आंदोलन में भाग लेंगे तो हमारा ये लगान वगैरह माफ़ हो जाएगा। 1931 में लगान घटे बिना आंदोलन वापस लेने से ये खपा हो गए। 1931 में लगान अंग्रेज़ों ने नहीं घटाया, फिर भी आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तो ये परेशान हो गए और खफा हो गए, नाराज हो गए, तो दोबारा इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सिविल नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने वाले सामाजिक समूह कौन से थे? तो दूसरे थे विपन्न यानी गरीब किसान। इन्होंने क्यों भाग लिया? क्योंकि ये क्या करते थे कि पट्टेदार खेती करते थे। पट्टेदार खेती का मतलब किराए से खेती करते थे, तो लगान कम हो, एक तो इनकी ये थी मांग, और पट्टे की ज़मीन का जो भाड़ा है, किराया है, वो क्या हो, माफ़ हो, क्योंकि इनकी उपज कम होती थी इसलिए भाड़ा नहीं दे सकते थे। अमीर किसानों और जमींदारों के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने में हिचकिचाती थी, यानी इनके जो आंदोलन थे, भाड़ा विरोधी आंदोलन थे, इन आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब किसानों को अगर वो पक्ष लेती तो जो अमीर किसान है वो उससे दूर चले जाते, इसलिए इन्होंने इनके संबंध क्या थे, अनिश्चित थे। अब तीसरा वर्ग है व्यवसायी वर्ग, यानी उद्योगपति वर्ग है। उन्होंने क्यों भाग लिया? क्योंकि विदेशी वस्तुओं के आयात में जो कमी थी, एक तो आयात में कमी चाहते थे, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के आने से देसी वस्तुओं का कंपटीशन बढ़ जाता था, उनकी देसी वस्तु नहीं बिक पाती थी, इसलिए वो चाहते थे विदेशी वस्तुओं का आयात, उसमें कमी आए, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में बदलाव हो। रुपया क्या था, भारतीय मुद्रा, और स्टर्लिंग क्या थी, ब्रिटेन की मुद्रा थी, तो दोनों मुद्राओं का जो अनुपात था वो ज़्यादा ही अंतर था उसमें, तो ये चाहते थे उसमें बदलाव हो, इसीलिए उन्होंने 1920 में आईआईसीसी का मतलब है इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, यानी भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, तथा 1927 में फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की। ये दो संगठन ऐसे थे जो आज भी विद्यमान हैं। आर्थिक सहायता दी इन्होंने आंदोलन में, और विदेशी वस्तुओं की खरीद और बिक्री का बहिष्कार किया। चौथा वर्ग है औद्योगिक श्रमिक वर्ग, यानी उद्योगों में काम करने वाले मजदूर। इन्होंने केवल नागपुर में ही हिस्सा लिया, क्योंकि उद्योगपति नज़दीक आ रहे थे और वो दूर जा रहे थे, क्योंकि वो औद्योगिक जो उद्योगपति है और श्रमिक है, दोनों के बीच में खींचतान रहती थी। तो कांग्रेस जब उद्योगपतियों को नज़दीक ला रही थी तो ये जो श्रमिक है ये दूर जा रहे थे, तो इन्होंने केवल नागपुर में ही हिस्सा लिया, बाकी देश के दूसरे हिस्सों में इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। इन्होंने बहिष्कार की, हड़तालें की, 1930 में रेलवे हड़ताल की, 1932 में गोदी कामगार, गोदी का मतलब है बंदरगाह, बंदरगाह के जो कामगार थे उन्होंने हड़ताल की, और 1930 में ही टिन कारखानों में हड़ताल हुई। सिविल नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने वाले सामाजिक समूह कौन थे? पांच वे हैं महिलाएं। महिलाएं जैसे गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्र सेवा को पवित्र दायित्व इन्होंने समझा, जुलूस निकाले, नमक बनाया, पिकेटिंग की, पिकेटिंग क्या है, विदेशी कपड़ों और शराबबंदी करना, यानी किसी चीज़ का बहिष्कार करना। हालांकि गांधी जी उन्हें घर चलाने, चूल्हा चौका, अच्छी माँ, पत्नी बनना ही कर्तव्य मानते थे।